काफी बड़ा कोल माइन है ये, काफी ज्यादा बड़ा। ये है मेरा जूते का। अरे क्या रोड है यार, ए भगवान। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है 28 जून और मैं निकल रहा हूँ भागलपुर के लिए, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो आज का वेदर फोरकास्ट ये कहता है कि आज दिन भर बारिश है, बट आई होप कि रास्ते में बारिश ना मिले और मैं भागलपुर पहुँच जाऊँ। भागलपुर पहुँचने का जो कारण है वो ये है कि मेरा जो डॉगी है ब्रूनो, उसके लिए मुझे वैक्सीन लेना है। तो वैक्सीन लेने के पर्पज़ से मैं भागलपुर जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा ब्लॉग होगा वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि काफ़ी गंदे रास्ते से हम जाने वाले हैं। साहिबगंज टू भागलपुर जो NH-80 रोड है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, बर्बाद रोड है आप कह दो, और वो रोड पटना को कनेक्ट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद, काफ़ी ज़्यादा गया हुआ हालत है उस नेशनल हाईवे का। तो ऑफ रोडिंग होने वाला है पूरे रास्ते, और देखते हैं कि झारखंड से बिहार क्रॉस कर पाते हैं हम या नहीं। तो बस बने रहो आप इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पिछले वीडियोज़ भी आप जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैंने डाला हुआ है इस चैनल पर। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखते हैं बॉर्डर क्रॉस हो पाता है या नहीं। वो इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार ने फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है झारखंड स्टेट के अंदर, तो 30 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। तो आई हैव नो आइडिया कि जो बॉर्डर है झारखंड बिहार का वो क्रॉस करने मिलेगा या नहीं। वैसे बॉर्डर यहाँ से 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है यहाँ से भागलपुर 93 किलोमीटर है और गूगल मैप के हिसाब से 86 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं, मेरे ट्रिप मीटर में तो अभी 325 किलोमीटर की रीडिंग है, तो देखते हैं भागलपुर पहुँच के एक्चुअल जो किलोमीटर है वो कितना है। और अभी हम आ गए हैं ये रोड पे NH-80, ये स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट मुझे भागलपुर तक लेके जाएगा, तो कहीं मुझे कोई टर्न लेना है, सीधा रोड। और करीब 17 से 20 किलोमीटर में बिहार बॉर्डर भी आ जाएगा, तो बिहार बॉर्डर से पहले ही मैं पेट्रोल फिल करा लूँगा अपने टैंक में। बिहार पहुँचने के बाद पेट्रोल का रेट जो है वो और इंक्रीज़ हो जाएगा, तो झारखंड में ही हम पेट्रोल भराने का कोशिश करते हैं। आगे 2 पेट्रोल पंप है, अब देखते हैं वो खुला हुआ है या नहीं। तो मैं पहुंच गया हुआ पेट्रोल पंप पे, और अभी काफ़ी ज़्यादा बादल घेरा हुआ है, तो मुझे डर भी लग रहा है कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि वाटर प्रूफिंग 0 है मेरा, 1% भी वाटर प्रूफिंग नहीं है, रेनकोट वगैरह सारा कुछ रांची में छूटा हुआ है। तो देखते हैं तेल का रेट आसमान छू रहा है, कितना छू रहा है, 80 रुपीज़ पर लीटर। तो 2 लीटर डाल दीजिए। अरे यार ये तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो अभी ड्रिजलिंग हो रहा है तो आप फील नहीं कर पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाएगा तो फिर मैं गोपड़ों के अंदर रख दूंगा और कहीं आसे ढूंढूंगा, कहीं सर छुपाने का जगह, क्योंकि वाटर प्रूफिंग है नहीं मेरे पास। बस ये बैग का वाटर प्रूफ कवर है मेरे पास, और ये जैकेट है, और ये जैकेट भी प्योर वाटर प्रूफ नहीं है, और पैंट तो मैंने चीरोस डाला हुआ है, तो यार काफ़ी ज़्यादा भीग जाऊँगा मैं। तो देखते हैं यार, बारिश साथ दे दे बस, बारिश होना तो मैं सूखा सूखे अगर पहुंच गया तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा होगा। अभी नज़ारे की मैं बात करूं तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, जहां तक नज़रें जा रही है वहां तक पेड़ ही पेड़ और खेत ही खेत दिख रहे हैं यार, नज़ारा। मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड करने में। तो होप्स हो कि आप भी राइड को इन्जॉय कर रहे हो, और कुछ ही दूरी में भी बिहार का बॉर्डर आ जाएगा, तो देखते हैं कि हमें बिहार एंट्री मिलता है या नहीं। तो बने रहो इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो और गंदे रोड स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये रोड मोस्टली ट्रक्स वगैरह से भरा हुआ रहता है, ट्रक ट्रैफिक बहुत रहता है इस रोड में। अरे बाप, इतना ज़्यादा गड्ढा, नेशनल हाईवे 80 का गड्ढा, ओहो हो, अगर इस गड्ढे में पानी भरा रहेगा तो बाइक दिखेगी भी नहीं, इतना ज़्यादा गड्ढा है कि।
और काफ़ी सुंदर रोड हमें मिल गया है यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए, नेशनल हाईवे 80 पे, यही रोड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा रोड है, आप देख सकते हो यार, मतलब रोड का नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कादो आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मट्टी है यार। ओहो हो हो, काफ़ी सावधानी से चलाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर स्लिप हुआ तो फिर पूरे कपड़े की बैंड बच जाएगी। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, क्या रोड है यार, लिटरली पूरा गाड़ी का चक्का हिल रहा है यार, ये तो ओह रावड़ी है रावड़ी ए भगवान हे रे रे, क्या है ये भाई, क्या है ये ये देखो अब लिटरली कितना ज्यादा पैर धंस रहा है मेरा, ओहो छी अरे बाप रे बाप, ये मेरी जूते की हालत देखो आप, शिट मैन, शिट शिट, क्या है ये, क्या है ये, यार कितना गंदा रोड है यार, मुझे तो उम्मीद नहीं था, अगर मुझे जरा सा भी पता होता इस रोड के बारे में कि रोड इतना गंदा है तो मैं ये रोड लेता ही नहीं। अरे यार, एक तो ट्रैफिक, ऊपर से ये मलाई, गिरना मत अभिनव, गिरना मत, जूते खराब हो जाए चलेंगे, गिरना मत अभिनव, हे राम 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 राम, अरे रे हो हो, हट जा भैया हट जा, हो अरे रे 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 रे, अरे भैया रुक जाइए। तो अब हम आ गए हैं झारखंड बिहार के बॉर्डर पर, ये झारखंड बिहार का बॉर्डर, ये जो बड़ा सा पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ के उस साइड आपका बिहार है और इस साइड झारखंड। तो जूते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी, ओहो, और ये हम एंट्री ले लिए बिहार में भैया, अब हम है बिहार में, झारखंड क्रॉस हो गया और हम है अब बिहार में, और रोड की हालत अभी भी नहीं सुधरी है, पता नहीं कितना दूर तक ऐसा रोड होने वाला है। आइए आइए आइए, हे भगवान, निकल जा निकल जा निकल जा, यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रक लगा के ये लोग गायब हो जा रहे हैं, मतलब देख लो लिटरली कितना छोटा सा जगह से मैं बाहर निकल के आया, और इन भाई को भी देख लो आप, ये भी ऐसे ही निकल कर के आ रहे हैं। तो यार काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब है, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है इस हाईवे पे। मतलब देख लो भाई का ट्रक स्टार्ट है लेकिन ट्रक में ड्राइवर नहीं है, तो अभी तक 40 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और 40 किलोमीटर आने के बाद लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, इधर आपको ईटा भट्टा देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ है इधर पे, पहाड़ के ऊपर काफ़ी छोटा सा और काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है, तो देखो और फील करो। अभी रोड अच्छा है यहाँ से, मुझे नहीं पता कितना दूर तक ये रोड अच्छा है, गट पूरा स्क्रैच हो चुका है, पैर रखने वाला ये मुड़ चुका है पूरा, और ये
ब्रेक का जो है ये पूरा मुड़ चुका है। यहाँ पे हेडलाइट में पूरा स्क्रैचेस है। ये ग्लास जो है वो बकायदा चूर हो चुका है पूरा। और ये देखो आप, ये देखो कितना ज़्यादा ये छिल के बाहर निकल चुका है। तो इट वॉज़ अ लकी डे फॉर मी कि मैं सर्वाइव कर गया। और हेलमेट था मेरे पास तो ज़्यादा चोट नहीं लगा। राइट साइड का जो हेलमेट है वो पूरा स्क्रैच हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी मेरा शरीर का जो कंडीशन है वो ये है कि ग्लव्स मैंने नहीं पहना तो हाथ में स्क्रैचेस है यहाँ पे, और ये पूरा पैंट मेरा छिल चुका है। यहाँ पे मुझे हल्का सा चोट आया है, फील नहीं हो रहा लेकिन हल्का सा चोट है। और ग्लव्स जैकेट ने भी काफ़ी ज़्यादा जान बचाई मेरी। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद मैं निकलूँगा यहाँ से, तो अपडेट करता हूँ मैं आपको। तो बाइक का जो ब्रेक है वो लॉक हो चुका था, फ्रंट डिस्क ब्रेक, तो वो ठीक कराया मैंने। और फुट पैक जो था उसे भी स्ट्रेट करा लिया है। तो अभी चलते हैं भागलपुर की तरफ और होप्स हो कि आगे का जर्नी काफ़ी अच्छे से हमारा जाए। काफ़ी ज़्यादा दर्द और जलन हो रहा है पैर में। तो देखते हैं भागलपुर पहुँच करके फर्स्ट एड करता हूँ मैं अभी। तो अभी जो समय हो रहा है वो 9:30 हो रहा है और अभी मैं हूँ विक्रमशिला में, सॉरी कह लूँ मैं हूँ अभी। तो यहाँ से भागलपुर मेरे ख्याल से और 20 से 25 किलोमीटर होना चाहिए। तो मिलते हैं आपको सीधा भागलपुर पहुँच करके। लुक एट दिस ब्यूटीफुल गंगा रिवर। ये गंगा रिवर का एक छोटा सा पार्ट है, जो मेन एरिया है गंगा रिवर का वो कुछ दूरी पे जाकर उधर है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। इधर गंगा नदी है और उसके जस्ट बगल में रोड है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और देखते हैं कितना दूर तक ये ऐसा सीन रहता है, क्योंकि ये बहुत लाजवाब है अपने आप में। बस दिक्कत एक ही बात की है कि यहाँ का रोड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ द रोड। ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा है अपने हाथ में और अपने थाई में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बाइक का जो हैंडल है वो भी शायद कहीं ना कहीं टेढ़ा हो चुका है, क्योंकि वैसा फील अब नहीं आ रहा है जैसा फील पहले आ रहा था बाइक चलाने में। और फ्रंट ब्रेक की मैं बात करूँ तो पता नहीं फ्रंट ब्रेक में उस मैकेनिक ने क्या किया क्या नहीं किया। फ्रंट ब्रेक जो है वो अब उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है पहले जैसा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। सो इट्स स्टार्टेड टू रेन और एक छोटे से दुकान में मैंने कवर लिया है। अभी हाथ का सिचुएशन नॉर्मल है, ये फिंगर मोड़ने में ज़रा सा पेन हो रहा है। होप्स हो कि जल्दी रेन रुक जाए और पहुँच जाऊँ मैं भागलपुर। और यहाँ से 25 किलोमीटर है तो आराम से 1 घंटा लगने वाला, क्योंकि रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और अभी भी मैं भागलपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर हूँ। और अभी जो मेरा कंडीशन है वो देख करके आपको मेरे ऊपर ज़रूर दया आ जाएगी। वन ऑफ द वर्स्ट रूट है भाई, ऐसा रोड आपको पूरे दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इतना गंदा रोड। मैं आपको अपना कंडीशन दिखाता हूँ और अपने बाइक का कंडीशन दिखाता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगाओ। ये है मेरा जूते का हाल और ये है मेरे पैर का हाल। ये है भाई मेरा जैकेट का हाल, इधर पूरा। और ये रहा मेरा बाइक का हाल। जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ माई बाइक। और मैं आपको अपना ग्लव्स का हाल दिखाने वाला हूँ अब ये देखो मेरा ग्लव्स का हाल। ये वन ऑफ द वर्स्ट रूट है भाई, वन ऑफ द वर्स्ट रूट। इस रूट से मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। बिहार सरकार लानत है यार इस पर, मतलब एक रोड ढंग का नहीं बना सकते हो आप लोग, क्या बोलूँ मैं यार। तो आई रीच माई डेस्टिनेशन, यहीं पे मुझे आना था, यहीं से मुझे वैक्सीन कलेक्ट करना था। तो वैक्सीन कलेक्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यार वापस मैं निकल गया हूँ अब साहिबगंज के लिए, लेकिन इस बार मैंने लिया है महागामा वाला रूट। और गूगल माता पता नहीं कौन कौन से गली से हमें
भागलपुर से बाहर निकाल रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं, बस गूगल माता को हम फॉलो कर रहे हैं, होप्स हो कि ये धोखा ना दे हमें। आज बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ना ही गंदा रोड। तो निकल गए हैं हम महागामा के लिए और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर बारिश ज़्यादा ज़ोर से होती है तो कैमरा को मैं अंदर कर दूंगा, क्योंकि माइक अडेप्टर लगाने के बाद गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं रहता। टोटल 117 किलोमीटर, इसका मतलब कि काफ़ी लंबा रूट मैं ले रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि रास्ता अच्छा हो, रास्ता ख़राब ना हो, और गूगल मैप के हिसाब से 1 घंटा 45 मिनट में हम महागामा पहुँच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा रास्ता रहता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी इस रूट में जा रहा हूँ, तो आपको भी मैं दिखाऊँगा कि कैसा है ये रास्ता, और रिकमेंड मैं करूँगा या नहीं ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट बताऊँगा। अभी का अपडेट ये है कि 2:25 हो रहा है और मैं पहुँचने वाला हूँ महागामा, और साहिबगंज यहाँ से और 72 किलोमीटर है, और गूगल माता के अनुसार हम 4:27 में साहिबगंज पहुँचेंगे। तो ये वाला रोड लंबा पड़ा लेकिन काफ़ी अच्छा रोड है, एक जरा आपको पॉट होल्स नहीं है रोड में, और रोड काफ़ी सुंदर स्थिति में है, और एक अच्छा स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ, और पेट्रोल लेना है मुझे क्योंकि मीटर जो है मेरा वो ब्लिंक कर रहा है, तो 1 लीटर तेल मैं और लूँगा। कुछ दूरी पर जाकर के पेट्रोल पंप है, और काफ़ी ज़्यादा थकावट वाला राइड हो गया आज, क्योंकि अभी इतना देर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जब से मैं भागलपुर से निकला हूँ तब से बारिश ही हो रही है, पूरी बारिश, और बारिश में मैं गोप्रो निकाल नहीं सकता हूँ, तो गोप्रो अंदर था और अभी बारिश हल्का छूटा है तो जा कर के मैं गोप्रो बाहर निकाल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो रास्ता ये बस्ती से होते हुए गुजरता है, छोटे छोटे शहर आते रहते हैं, तो प्रॉपर हाईवे नहीं है, लेकिन रोड की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप साहिबगंज से देख रहे हो, अगर आपको भागलपुर जाना है यार, तो आप इस रोड से आओ, आपका टाइम भी बचेगा, किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा लेकिन आपका समय बचेगा, और काफ़ी स्मूथली आप पहुँच जाओगे। नजारा है, तो पता लोग दिख रहा है यहाँ से यार, चलो नजदीक से दिखा, तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, मतलब वहाँ से काफी अच्छा व्यू मिल रहा है, तो वो जगह से जाकर के आपको दिखाते हैं कितना बड़ा ये कोल माइन है। मैं भी ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इसे देख करके। अरे वाह भाई वाह, काफी बड़ा कोल माइन है ये, काफी ज्यादा बड़ा, जहां तक देखो कोयला ही कोयला नजर आ रहा है। ज़्यादा एज पे मैं नहीं जाऊँगा, ये भसकने का चांस बहुत ज़्यादा है। अरे वाह वाह वाह, इसके लिए तो यार एक लाइक बनता इसके लिए, और काफ़ी दूर तक है ये कोल माइन, काफ़ी ज़्यादा दूर तक, और अभी बाइक वहाँ पे लगी हुई है, और जो हमारा घर है और 55 किलोमीटर है यहाँ से, और समय हो रहा है अभी 3:09। ओ भाई साहब, बाइक की हालत देखो यार, मतलब क्या लग रही है देखने में, पूरा धूल मिट्टी से ढक चुकी है बाइक मेरी। तो एक बार फिर से मैं पहुंच गया हूँ साहिबगंज के जिलेबिया घाटी पे, इसका वीडियो आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था, तो अब करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है यार, अगर आपको पसंद आया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं वैसे ही अगले वीडियो में। मुझे नहीं पता, अभी माइंड में कोई टॉपिक नहीं है। ये भी जो आज का जो वीडियो, ये अचानक से हो गया, ब्रूनो का वैक्सीन ला रहा था इसीलिए। तो तब तक के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।